जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ट्यूटोरियल इलाहाबाद में। पिछले वीडियो में हमने भिन्न का गुणा पढ़ा था और इस वीडियो में हम भिन्न का भाग करना सीखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, 2/4 को विभाजित करना है 4/2 से, 2/4 को 4/2 से भाग देना है। तो हम करते क्या है, सिंपल तरीके से पहला जो पार्ट है इसका, इसको हम नोट कर देते हैं, यानी 2/4 को हमने नोट कर दिया है और भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और दूसरे वाले पार्ट को हम उल्टा करके लिख देंगे, यानी 4/2 को हम 2/4 लिख देंगे। अब देखिए ये जो प्रोसेस है, यानी ये जो प्रक्रिया है, 4/2 को 2/4 क्यों लिखा गया, तो एक होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में क्या होता है कि जो भाग है, ये भाग के बाद वाला जो संख्या है इसको हम उल्टा कर देते हैं, इसी को हम व्युत्क्रम बोलते हैं या रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो हमने 4/2 का क्या निकाल लिया, रेसिप्रोकल निकाल लिया। और बाकी नियम वैसे ही हैं कि अंश को अंश के साथ और हर के हर हर को हर के साथ गुणा कर देना, यानी 2/4 और 2/4 दोनों 2/4 हो गए। तो 2 और 2 को गुणा कर लेंगे और 4 और 4 को गुणा कर लेंगे, तो 4 और 4 को गुणा करने पर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और 2 और 2 को गुणा करने पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 4/16। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 4 की टेबल पढ़ेंगे, 4 1 = 4 और 4 4 = 16, यानी 4 1 = 4 और 4 4 = 16, ये हमारा उत्तर आ गया। दूसरा प्रश्न क्या है, 3/9, तो पहले वाले पार्ट को हमको ऐसे नोट करना है, भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह लगाना है और दूसरे वाले पार्ट को उल्टा कर देना है, यानी 27/9 को 9/27 लिख देना है, यानी इसका व्युत्क्रम निकाल लेना है, रेसिप्रोकल निकाल लेना है। अब देखिए हम चाहें तो ऐसे 9 को 9 से काट सकते हैं और 3 9 27 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और पहले हम चाहें तो ऐसे भी लिख कर सकते हैं। अब देखिए हमने 9 को 9 से काट दिया और 3 9 27 कर दिया, ऊपर कितना बचा, 1, और नीचे कितना बचा, 9। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 1/9। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करें। जय हिंद दोस्तों।